राम राम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राजस्थान के एकीकरण में। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ, जिसका प्रथम चरण इस प्रकार से है। दोस्तों, प्रथम चरण की दिनांक है 18 मार्च 1948 ईस्वी। उद्घाटन एन वी गाडगिल। दोस्तों, सम्मिलित होने वाले राज्य अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करवली रियासतें और निमराना ठिकाना। दोस्तों, इनको याद करने के ट्रिक है ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। आगे दोस्तों, राजधानी थी अलवर। राजधानी किसको बनाया गया दोस्तों? अलवर को बनाया गया। दोस्तों, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह राजप्रमुख कौन है दोस्तों? राज प्रमुख उदयभान सिंह। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। दोस्तों, ये अलवर रियासत के विशेष विवरण में देखिए दोस्तों, KM मुंशी के सुझाव पर मत से संघ नाम रखा। अगला चरण द्वितीय चरण दोस्तों, इस चरण की स्थापना 25 मार्च 1948 में हुई। उद्घाटन NV गार्डविन के द्वारा किया गया। इस रियासत में कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंकता, लावा व पुष्कलगढ़ ठिकाने मिला के राजस्थान संघ प्लस मेवाड़ इसमें हुआ है। इसमें दोस्तों राजधानी रही दोस्तों कोटा। राजधानी को किसको बनाया गया दोस्तों? कोटा को बनाया गया। इसके संवैधानिक प्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह दित्ते। प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा, ये दोस्तों साफ पुरा के थे। दोस्तों, तृतीय चरण देखते हैं, संयुक्त राजस्थान। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई। तृतीय चरण में राजस्थान संघ प्लस उदयपुर 10+1 रियासत ठिकाना। राज प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़ के थे, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा के थे, प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा मेवाड़ के थे। दोस्तों, चतुर्थ चरण में पढ़ेंगे। चतुर्थ चरण का नाम दिया गया दोस्तों वृद्ध राजस्थान। 30 मार्च को दोस्तों मनाते हैं राजस्थान दिवस मनाते हैं दोस्तों। इसके उद्घाटनकर्ता पंडित नेहरू व सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। इसकी राजधानी उदयपुर को बनाई गई दोस्तों। राजधानी उदयपुर थी। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह राज प्रमुख थे दोस्तों, और PM कौन थे? प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा थे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पंचम चरण। दोस्तों, डेट याद रखना 15 मई 1949 वृद्ध राजस्थान प्लस मत सिंह को मिलाकर पंचम चरण बनाया गया दोस्तों। भोपाल सिंह महाराज प्रमुख थे दोस्तों। अधिकांश राज्यों के विलय के कारण 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला दोस्तों, छठवा चरण, राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को संयुक्त व्रज राजस्थान में सिरोही राजस्थान में शामिल किया गया दोस्तों। अब देखना दोस्तों, सातवां चरण, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, इसलिए 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों। इसमें आबू व देलवाड़ा को शामिल किया गया और मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले का सुनिया टप्पा गांव राजस्थान में शामिल किया गया दोस्तों। सप्तम चरण के यानी कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री इरारा शास्त्री को बनाया गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। राम राम दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में।